हाय दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि जनरली पेरेंट्स को, मम्मी पापा को ये पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा सीरियस कब हो जाता है। बच्चे खेलते खेलते सीरियस हो जाते हैं, धीरे धीरे सीरियस हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। जब वो क्लिनिक में आते हैं तो बच्चा उनका बहुत सीरियस रहता है, कभी कभी तो इस अवस्था में आ जाता है कि बच्चा को वेंटिलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही कॉमन चीज़ जो ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आप घर पे रहते हुए हर मम्मी पापा अपने बच्चे में को आप जो है ना, अगर थोड़ी सी बात को अगर आप ध्यान दोगे तो उस चीज़ से बच सकते हो कि आपका बच्चा सीरियस होने से पहले आप अपने बच्चे को कैसे पहचानोगे कि बच्चा मेरा सीरियस है या सीरियस होने वाला है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुनोगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जवाब भी दें। पहले चीज़ ये कि बच्चा जो है अगर पहले से दूध पीना कम कर दे या न पिए। दूसरी चीज़ कि बच्चा जो है आपका सुस्त हो जाए, कम खेलने लगे। जनरली जो है बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको अगर अंदर से कुछ प्रॉब्लम होगा तभी वो नहीं खेलेंगे, नहीं तो वो खेलेंगे ही। अगर कुछ दिक्कत होगा, कुछ उनको अंदरूनी दिक्कत होगी तो वो खेलना कम कर देंगे या नहीं खेलेंगे। तीसरी चीज़ है कि अगर बच्चा कंटिन्यू उल्टी करने लगे, बार बार उल्टी किए जा रहा है, बार बार पैखाना करते जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, छोटे बच्चे को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा चीज़ है कि जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बच्चा अगर 24 घंटे के अंदर पैखाना ना करे, 48 घंटे के अंदर अगर पेशाब ना करे, बच्चे जो हैं अगर खून निकले, मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चा जो है उल्टी करे उससे खून आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो, पैखाना करे उससे ब्लड आ रहा हो, शरीर पे दाना दाना आ रहा हो खून के साथ, तो ये सब जो हो गए जिसको कि हम लोग डेंजर साइन बोलते हैं, खतरनाक साइन बोलते हैं। और भी बहुत सारे खतरनाक साइन हैं, जैसे कि आपका क्या होगा कि बच्चा जो है ना सांस लेने में, सांस जो उनका जो नॉर्मली जो गति होती है वो सांस लेने की गति बढ़ा देगा, मतलब गाँव में जो बोलते हैं कि सांस तेजी से लेता है। दूसरा चीज़ है बच्चा बोलते हैं गांव में कि पंजरा मारने लगता है, तो बच्चा पंजरा जो मारते हैं सांस तेज लेने के चक्कर में उनका जो है एनर्जी कम हो जाता है, तो बच्चा पंजरा मारने भी लगते हैं। ये सब कंडीशन में बच्चे जब सांस लें उस कंडीशन में अगर आवाज़ आने लगे जो कि नॉर्मल ना हो, वो आवाज़ बच्चा अगर नीला पड़ने लगे, तो बच्चे का हाथ पैर पीला हो गया हो, मीन्स पीलिया हो गया हो, जॉन्डिस हो गया हो, फिर आपका बच्चे को अगर दौरा पड़ रहे हों, बच्चा आपका रो ही रहा है, आपने दूध पिलाया नहीं पिया, फिर भी आपने उसको पेट का मसाज दिया, फिर भी बच्चा रो रहा है, बच्चा को दौरा पड़ रहा है, तो ये सारे जो हैं सब के सब डेंजर साइन होते हैं। अगर इसमें से आपके बच्चे को कुछ भी लगे और तो आप जो है तुरंत इमीडिएट जो आपके नज़दीक के जो बच्चे के डॉक्टर हैं आप उनसे मिल सकते हैं, आप उससे राय ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका बच्चे जो है ना बहुत कम ट्रीटमेंट पे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा और आपको अपने बच्चे के लाइफ सेव करने में, लाइफ ही सेव नहीं करोगे, आजकल जो गांव में जो लोग होते हैं गरीब होते हैं, तो इकोनॉमी भी आपकी सेव होगी, कम पैसे में अच्छा इलाज हो जाएगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको सुनना हो, समझना हो कि हाँ मेरे बच्चे के बारे में सर मैं ये जानना चाहता हूँ, तो आपका कमेंट वेलकम है। मैं उस पे आपकी जो भी जो जानने का जो वो है इच्छुक है, मैं उस पे जो है वीडियो बनाऊंगा और आपका जो है समस्या का दूर करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।